तो दोस्तों अगर आपके पास है Vivo Y35 मोबाइल और दोस्तों आपका मोबाइल काफी हैंग कर रहा है तो उसको कैसे सही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Vivo Y35 मोबाइल में हैंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दो सेटिंग बताने वाला हूँ, दोनों सेटिंग आपने ध्यान से कर लिया तो दोस्तों 100% आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा। तो दोस्तों चलते हैं आपको बता देते हैं। दोस्तों यहाँ पे पहली सेटिंग है, आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको सबसे नीचे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे सबसे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे अबाउट फोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको बोल्ड नंबर्स का ऑप्शन आएगा। तो इसके सामने आपको लगातार 6-7 बार इस तरह से टैप करना है। टैप करने के बाद आपने जो भी लॉक स्क्रीन पासवर्ड पैटर्न जो भी डाला है वो आपके यहाँ पे डाल देना है। जैसे डाल दोगे तो आपका यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन सक्सेसफुली ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों आपके यहाँ से बैक आना है, एक बार फिर से बैक आना है। बैक आने के बाद आपके यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक कर देना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको सबसे नीचे डेवलपर ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आओगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको तीन स्केल देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे पहले स्केल रहेगी विंडो एनिमेशन स्केल, ये भी ऑन है। ट्रांजिशन एनिमेशन, ये भी ऑन है। और एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल, ये भी ऑन है। तो आपको एक एक करके यहाँ से आपको ऑफ कर देना है, तीनों को यहाँ पे ऑफ कर देना है। जैसे आप तीनों को यहाँ पे ऑफ कर दोगे दोस्तों आपकी पहली सेटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरी सेटिंग यह है कि आपके मोबाइल में एक फाइल एप्लीकेशन रहेगी, तो फाइल एप्लीकेशन को आपको यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे देख लेना है कि आपके मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज जो है वो फुल तो नहीं है। अगर दोस्तों फुल हो गया तो आपको अपने मोबाइल के फोटोज वीडियोज डिलीट करके 3-4 GB खाली कर देना है। जब 3-4 GB खाली कर दोगे बस दोस्तों ये दोनों सेटिंग करने के बाद आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको अपने इंटरनल स्टोरेज जो है वो 3-4 GB खाली ही रखना है। तो दोस्तों इस तरह से आप Vivo Y35 मोबाइल में हैंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।